अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं बूंदी का पुदीने वाला रायता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 250 ग्राम दही, एक मुट्ठी हमने लिया है धनिया पुदीना, और 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है हमने, या आपको जितनी पसंद हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून काला नमक है, और 1/2 टीस्पून नमक हमने लिया है, और 2 कली हमने लहसुन के लिए हैं। ये हमने बूंदी ले ली है 1/2 कटोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ले लिया अपना मिक्सिंग जार, इसमें हम पुदीना डालेंगे, हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे, और इसमें हम हल्का सा पानी डालकर इसको दरदरा सा पीस लेंगे। इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, इसको हल्का सा दरदरा पीसना है हमें। इसको हमने पानी डाल के दरदरा पीस लिया है। हम इसे दरदरा इसलिए पीसेंगे, इसका स्मूथ पेस्ट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमें अभी इससे दही डालकर भी चलाना है अपने मिक्सर को, इसलिए हमें इसे दरदरा पीस रहे हैं। तो हम इसमें दही डाल देंगे, और दही डालने के बाद हम इसमें जो हमने अपने सूखे मसाले लिए थे पिसे हुए, उसे डालेंगे। तो हम डालेंगे काला नमक और वाइट सॉल्ट और जीरा पाउडर। आप चाहें तो इसमें आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च डालने से ये स्पाइसी हो जाता है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा दही ग्राइंड हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो अपने कटोरे में निकाल लिया है, और ये बहुत अभी गाढ़ा है थोड़ा, तो ये हमने अपनी बूंदी में थोड़ा सा हल्का गर्म पानी डालकर इसे हमने रख दिया था जब हम इसे पीस रहे थे मसाले को दही के। अब हम इसी में डाल देंगे बूंदी को, और ये बूंदी पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुई है अभी, दही में डालने के बाद ये और फूल जाएगी, तो हम इसके अंदर इसे मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें लगाएंगे जीरे का और मिर्च का तड़का। तो चलिए दिखाते हैं। दिया था गैस पर, और इसमें डाला हमने 1 टीस्पून ऑयल, और हमने अपनी गैस बंद कर दी है, गर्म हो गया है। तो इसमें हमने डाला है 1 चुटकी जीरा डाला है खड़ा, और 1/4 टीस्पून से भी कम हमने लिया है यहाँ पर रेड चिली पाउडर। तो हम गैस बंद कर इसे करेंगे इस प्रोसेस को। अब हम लगाएंगे दही में तड़का, तो हमने दही में ये हमने तड़का डाल दिया है, और कर देंगे अब दही को अच्छी तरह से मिक्स। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए आप। हमारा रायता हो गया है तैयार, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा। तो इसे ट्राई करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स